एंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज सीबीआई और तेजस्वी यादव के वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी किया सकता है। जो अच्छी एकजुटता तो वही दूसरी ओर लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आज का दिन तेजस्वी यादव के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। तेजस्वी यादव पर कोर्ट का फैसला आ सकता है और उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की सुनवाई आज दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में होनी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए ये सुनवाई बेहद अहम माना जा रहा है। आज तेजस्वी यादव के अधिवक्ता और सीबीआई कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि इस मामले में 3 जुलाई को तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। आज की सुनवाई यह तय करेगा कि चार्जशीट स्वीकार होता है या फिर नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट तो तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में जमानत भी लेनी पड़ेगी। तो दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्ति में एक बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिली थी। सीबीआई की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के एवज में लोगों से जमीन और फ्लैट जो है वो रजिस्ट्री करवाए थे। ये फ्लैट और जमीन रजिस्ट्री जो है वो लालू परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, जिसमें मीसा भारती का नाम है, जिसमें राबड़ी देवी का नाम है, जिसमें हेमा यादव समेत कई परिवार के सदस्यों का नाम इसमें बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई के साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है और सीबीआई लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें उन्हें बेल मिल चुका है। पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट अगर उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करता है तो फिर तेजस्वी यादव को बेल जमानत जो है वो लेनी पड़ सकती है। आपको याद होगा जब सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम दाखिल किया था तब तेजस्वी यादव लंदन में थे और ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे ही वो भारत लौटेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ के लिए। और देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज की सुनवाई यह तय करेगा कि तेजस्वी यादव का आगे का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया और आज अगर उस चार्जशीट को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर राहत ऐसे मिलेगी कि उनको जमानत अगर कोर्ट दे देती है। अगर कोर्ट जमानत दे देती है तो तेजस्वी यादव के लिए राहत भरी खबर होगी। अगर कोर्ट जमानत नहीं देती है तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी किया सकता है, जो चर्चाएं और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो आज का दिन तेजस्वी, आरजेडी, लालू परिवार के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज सीबीआई और तेजस्वी यादव के वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज का क्या फैसला होता है उस घड़ी का इंतजार है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।